नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ ऑफर्स की जो आगे आपको दिया जा रहा है फ्लिपकार्ट अमेजन की तरफ से और रिलायंस जियो में कुछ हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अपन एक मेन डिस्कस करने वाले हैं, वो है iOS 11 का। तो वीडियो देखिए, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अमेजन और फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है सेल, अभी चल रही है उनके करंट में, तो आपको ऑफर दे रहे हैं बहुत सारे, उसमें डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, आपको कैशबैक का ऑफर मिलता है। तो देखिए, आप पहली चीज़ ये है कि आप कहाँ से परचेज करेंगे, ऊपर आपको देखिए कार्ड सिस्टम दिख रहा है ना, वहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, आप फ्लिपकार्ट से करेंगे या अमेजन से करेंगे वो मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ में अभी बात करते हैं अमेजन की, तो अमेजन दे रहा है आपको बहुत बढ़िया ऑफर्स मोबाइल फ़ोन पे, एक्सेसरीज मान लीजिए लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, बेड सेट्स, फर्नीचर, जो भी आइटम है साथ भी दे रहा है ना, साथ में फ्लिपकार्ट भी दे रहा है, अमेजन भी दे रहा है। पहली चीज़ ये है कि परचेज कहाँ से करेंगे आप लोग। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको मोबाइल फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, ले लीजिए अभी। और अभी आपके पास में बजट नहीं बन रहा है, नहीं लेना चाहते हैं और बाद में लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, दीपावली के पास में फिर से इनकी सेल आने वाली है दोस्तों, तो दीपावली के पास में आप फिर से ले सकते हैं। बात की जाए कि कितना कितना रुपया ऑफ मिल रहा है, तो प्राइस की बात करें तो मेन चीज़ ये रहेगी कि आपको मोबाइल फ़ोन में मिल रहा है 8,000 रुपये तक का ऑफ, साथ ही साथ में एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं। और लैपटॉप में बात करें तो 15,000 तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप परचेज़ कीजिए, बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप अभी नहीं ले सकते तो आपको वजह से मैंने बताया दीपावली के आसपास में फिर से सेल आएगी, तो आप तब तक ले सकते हैं, दोबारा बजट बढ़ा लीजिए। बात करते हैं रिलायंस जियो फ़ोन की, सब लोग एक्साइटेड हैं उस फ़ोन को लेके, लेकिन अभी तक उसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। 21 तारीख को डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई, उसको बढ़ा दिया गया है। रिलायंस ने इसको कर दिया है 1 अक्टूबर, यानी कि अगले आने वाले महीने की 1 तारीख से बता रहे हैं कि डिलीवरी फ़ोन की जाना शुरू कर देंगे। लेकिन अब वो भी अब जैसे वो बढ़ा रहे हैं डेट, उस हिसाब को देखा जाए तो आई थिंक मुश्किल है 1 तारीख भी। देखते हैं कब मिलता है आपको फ़ोन, कब आपके फ़ोन हाथ में आ जाता है, तो वेट कीजिए रिलायंस जियो फोन का। एप्पल iOS ने 11 अपने यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो है iOS 11 अपडेट लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको 5S सीरीज से लेके ऊपर के जो भी सीरीज हैं SE 6 7 8, ये जो फ़ोन है इनमें सभी में आप इसको अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन्स को। बढ़िया फीचर दिए हैं, शानदार ग्राफिक्स है, और साथ ही साथ में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरप्लेन मोड, वो सारे आइकन आपको वहीं पे मिल जाएंगे, वहीं से आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे और टैप करते हैं बस आपको सिस्टम ऑपरेट कर पाएंगे। ये इजी ऑप्शन दिया है आपको ऑपरेट करने का। दोस्तों, आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से क्या चीज़ परचेज करेंगे, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर से। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।